ना टीना की बात करेंगे, ना फ्लफी की बात करेंगे, इस चूड़े के बारे में बताएंगे। भाग जा भाग जा मेरे प्यारे से शेर का। मैं एक ऐसे बिल्ले के बारे में बताना चाहूंगा आपको जो कि बहुत कमजोर है, और शुरू शुरू में मुझे ऐसे लगा कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ कोई हैवी किस्म वाला प्रैंक है। अभी अभी मैं उसे पकड़ने लगा वीडियो के लिए, ये उसने निशान बना दिए। ये तकरीबन अभी तक मैंने खुद नहीं देखा। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर डूइंग गुड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई साहब, आपको रमजान मुबारक का दूसरा जुम्मा मुबारक, और आज का टॉपिक्स कैट्स के बारे में ही होगा, लेकिन टीना की बात करेंगे, फ्लफी की बात करेंगे, इस चूड़े के बारे में बताएंगे। भाग जा भाग जा मेरे प्यारे से शेर का। मैं एक ऐसे बिल्ले के बारे में बताना चाहूंगा आपको जो कि बहुत कमजोर है, और शुरू शुरू में मुझे ऐसे लगा कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ कोई हैवी किस्म वाला प्रैंक कर दिया। आपको मैं एक ऐसी कैट दिखाता हूँ जो कि यानी कि आवारा बिल्कुल भी नहीं है, कोई नस्ल की है, लेकिन वो किसी के घर से निकल चुकी है और वो हम हाथ को मिली, और इसी तरह हमारे साथ एक दो दिन पहले आई थी, और मैं आपको उसकी ज़रा सेहत दिखाता हूँ। ये है वो बिल्ला जिसे देख के मुझे बहुत डर आया और मुझे बहुत रहम भी आया, और ये काफ़ी एजड भी है, और सिर्फ इसका मुंह है और बाकी जिस्म पे कोई चीज़ नहीं, बाल ख़त्म हो चुके हैं, और यानी कि टांगे मैं देख के इतना शौक हुआ। और पहले मैं यार सबको कहूँ कि यार ये बिल्ली तो है ही नहीं ना, ये तो कोई एलियन है, कोई अलग चीज़ है यार, ये बिल्ली हो ही नहीं सकती, इतना कमज़ोर। और हमारे जो इतने शोधे तरीन शेरू है ना, उस कमीने ने वाला क्या किया, इससे लड़ाई करके ना ये उसे पंजे पुंजे भी मार दिए यार। ये जब आया था ना, इसे हमने कैट फूड हमारे डाला और इतने शौक से खाया ना, मैं बता नहीं सकता। और उस टाइम मैं हंसूँ और मैं अंदर अंदर से हैरान भी हूँ कि यार ये कितना कमज़ोर है, कितना यानी कि बाहर घूम घूम के कहीं आया होगा, कितना मजबूर और कितना लाचार होगा, क्योंकि बाहर की बिल्लियाँ ना वो बाहर से रिवाइव कर सकती है। हमने जो रखी थी ना, उसका क्या बैला था, वो अंदर भी हमारे साथ रह चुका है, बाहर अगर उसे निकाल देते ना तो वो सर्वाइव कर देता, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बाहर की तो अलग माइंड वाली होती है, लेकिन जो नस्ली होती है ना, वो अगर निकल जाए ना तो उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे जब शेरू निकला था, मुझे तब उसकी टेंशन हुई थी कि उसकी टेंशन नहीं, बाहर वाले कुत्तों और बिल्लों की टेंशन थी, क्योंकि बहुत जंगली है, यानी कि लड़ाई करने पर आया तो अगले को बता देता है कि कहीं अगला कोई है उसका दुश्मन। लेकिन अभी मैं उसे पकड़ने लगा वीडियो के लिए, ये उसने निशान बना दिए। ये तकरीबन अभी तक मैंने खुद नहीं देखा, बस मैं बेड पे ही बैठा हुआ था, मैं कहा चलो क्लिप पहले बना ले, बाद में करेंगे। तो फिलहाल इसकी तकरीबन थोड़ी 20% सबके साथ बन चुकी है, और अगर टीना इसे देखे ना, टीना के तो माशाल्लाह अभी बेबीज होने लगे हैं, तो उससे तो हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते हैं, और बहुत कम यानी कि पकड़ते हैं। तो इंशाल्लाह यार प्यारे प्यारे मम्मी, इंशाल्लाह और माशाल्लाह भी कह देना चाहिए था, ठीक है। तो अभी है ना, ये कुछ ही टाइम हुआ है अभी से आए हुए, तो यानी कि दो दिन में कुछ ही टाइम हुआ है, ये इनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन जब टीना देखे ना तो ये बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, वो डर जाती है इससे। हाँ, और ये ना एजड है, ये इतना मुझे हो चुका है कि ये एजड है, इसके फेस से पता चल जाता है, इसके चलने के स्टाइल और टेक्सचर वगैरह से ना पता चल जाता है। यार इसकी बॉडी अभी भी बहुत गर्म है, और हम इसे अच्छी खासी खुराक दे रहे हैं दिन रात जो लगी हुई है इसे, और माशाल्लाह से हो जाएगा हमारे साथ सेटल। ये बैठा मैम, मुझे भी दिखा दो। लेकिन है यार ये बहुत कमज़ोर, मुझे बहुत अफसोस हुआ यार, और लेकिन इंशाल्लाह मैमा तो रो रही है। मैं कह यार मैं हंसूँ कि भाई मगरिब का टाइम था मेरे ख्याल से, हाँ रोज़ा खुला है और हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, मैं हमाद तो है ना, हमाद अभी बाहर निकला, तो मैं अभी वजू कर रहा था पीछे, तो हमाद को ना एक लड़का दे गया कि भाई ये आपकी तो नहीं, हमाद कहता है पकड़ा दो मैं देख लेता हूँ। उसने हमाद ने फिर खाना पीना उसे खिलाया, फिर हम लोग नमाज़ पढ़ने चले गए, पीछे अच्छी खासी आते थे, और इतना गंदा था ना, इसे हम आते ही हमने धुलवा नहलाया अच्छी तरह, हाँ अच्छी तरह अच्छे खासे, और है कुछ नहीं इसमें, बस अल्लाह ताला इसे सेहत दे, और हम भी इंशाल्लाह खुराक अच्छी लगवाइए। तो भाई साहब इधर ही व्लॉग एंड करते हैं, और चेकअप भी करवाएंगे इंशाल्लाह इसका, इंशाल्लाह। तो भाई साहब इधर ही व्लॉग एंड करते हैं, आपसे इन्जॉयड इट, मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।